नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, साथ ही बेहतरीन कहानी है यह। यह कहानी 1907 में जमाना उर्दू भाषा की पत्रिका थी जमाना, उस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित है। सोजे वतन कहानी संग्रह में प्रेमचंद के शुरुआती दौर का है और यह उर्दू भाषा में लिखा हुआ कहानी संग्रह था, यानी इसमें जो कहानियाँ थी उनमें उर्दू के शब्दों की काफ़ी अधिक मात्रा थी और इसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, यह भी हमने पढ़ा है। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद यह बात मेरे समझ में आई कि क्यों, क्या था इन कहानियों में। कहीं भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी कहानी को जब हम समाप्त करते हैं उसके बाद यह बात दिमाग में आ ही जाती है कि शायद इसीलिए इसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। तो जो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को, क्योंकि 1907 में तो अंग्रेजी हुकूमत थी, तत्कालीन सरकार को इसमें देशद्रोह की गंध आ रही थी। इन कहानियों को जब पूरा आप पढ़ेंगे, जैसे उसमें और भी जो कहानियां संकलित हैं, तो इन कहानियों में अंत में एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ है। यदि आपको मैं कहानी के शुरू में ही अभी बता दूंगी तो फिर देखिए पूरा सस्पेंस या आनंद जो है ना कहानी का, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चैनल पे मैं आपके समक्ष पूरी रचना इसलिए प्रस्तुत करती हूँ, एक तो आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, दूसरा कि हिंदी का जो बेहतरीन साहित्य है, जो कहानियाँ अपने समय में चर्चित रही हैं किसी ना किसी कारण से, वो सब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, आप हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं का आनंद ले पाएँ। देखिए परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जितने भी 30 मिनट 20 मिनट हम अपने इस वीडियो को दे रहे हैं या जो भी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, उससे यदि आनंद हम लें तो वो जीवन भर हमें याद रहता है। और अगर उसे केवल परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ें तो ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा के दिन तक भी वह चीज़ हमें याद रहे। अब ध्यान देते हैं हमारी इस कहानी पे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इसके माध्यम से प्रेमचंद ने ध्यान आकर्षित किया है युवा पीढ़ी का। एक प्रश्न उन्होंने उछाला है इस कहानी के माध्यम से, एक प्रश्न हमारे सामने रखा है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है। आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर विचार करें कि आपके लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है। प्रेमचंद ध्यान आकर्षित करते हैं युवा पीढ़ी का और यह प्रश्न करते हैं युवा पीढ़ी से कि सबसे प्रश्न नहीं करते, बल्कि इस कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर भी वो दे देते हैं। जैसे कि नाम को पढ़ते ही आता है कि यार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है। एक माँ से पूछें उसका उत्तर कुछ और होगा, एक प्रेमी से पूछें तो उसका उत्तर कुछ और होगा, एक सैनिक से आप पूछें तो उसका उत्तर कुछ और होगा, और एक अन्य किसी भी व्यक्ति से, यानी अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से या अपने अपने जो कार्य व्यापार हैं, जीवन है, उसके हिसाब से सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन पूरे अगर युवा पीढ़ी के लिए बात करें तो यहाँ प्रेमचंद ने उसका उत्तर देने का प्रयास की थी। देखिए युवा मन प्रेम के आनंद और उल्लास से भरा हुआ होता है, कैसे, जबकि जब सरकार जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजी सरकार कितना भी अत्याचार कर रही हो, उस समय लिखना संभव नहीं था। जैसा भारतेंदु की रचना हमने पढ़ी अंधेर नगरी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो ये सब रचनाओं में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा गया है, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन सीधा उस समय लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि या तो आपके ग्रंथ जब्त कर लिए जाते थे और आपको जेल में डाल के बहुत सारी यातनाएँ दी जाती थी। तो युवा वर्ग जो प्रेम की स्वप्न में खोया हुआ है, जिसे अपनी प्रेमिका का जो हृदय है, प्रेमिका के मन में अपना स्थान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि युवा प्रेमी जोड़े अपनी जान तक दे देते हैं एक दूसरे के लिए। अब जान देने के बाद तो वो एक दूसरे को पा नहीं सकते ना, ठीक है, लेकिन फिर भी जान दे देते हैं उस भावना में। तो प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अनमोल क्या है, इसी चीज़ को यह कहानी बयां करती है। उर्दू के शब्द हैं, दिलफिगार एक प्रेमी है और दिल फरेब उसकी प्रेमिका है। दो पात्रों के माध्यम से ये बताया है कि सबसे अनमोल रतन क्या है। कहानी को
शुरू करते हैं। तो इसके माध्यम से तीन इसमें पक्ष बताए हैं। अनमोल रत्न, वो जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के सामने शर्त रखती है कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगी, तुम्हारे इस प्रेम को, प्रेम निमंत्रण को भी स्वीकार कर लूँगी, लेकिन पहले मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला कर दीजिए। इसी क्रम में उसका प्रेमी तीन रत्न उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। उसमें से सबसे अनमोल रत्न क्या होता है यह इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज लाकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। यानी वो वैसा आशिक नहीं था जो दिखावा करे और मतलब अपना वो दिखाए, वो तो फरियाद ही था प्रेम के, मतलब फरियाद करता रहता था, प्रेम याचना करता रहता था, ऐसा प्रेमी था। तो उसकी जो प्रेमिका है उस दिलफरेब ने उससे कहा कि मैं तेरी गुलाम, जब भी तुझे अपना गुलाम स्वीकार करूँगी यदि तू मुझे दुनिया का सबसे अनमोल वस्तु ला के दे। आगे कहती है उसकी जो माशूका है दिलफरेब, अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। यानी एक झलक भी नहीं दिखलाती वो, ये पर्दे के पीछे से ही वो सारी बातें कह देती है। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज तीन दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, नामुमकिन। और वह है क्या, कारों का खजाना या आवे हयात, खुसरो का ताज या जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। इन सभी सवालों से जूझता वह दिलफिगार रहता है। आगे देखते हैं, दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम न करती थी, मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, यानी जैसा उर्दू की कविताओं में एक मुनीर शामी व्यक्ति उसा, उसको हातिम, हातिम था की कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी ना, टीवी पे भी सीरियल आता, तो वही हातिम मिल जाता है मददगार के लिए। बोलते काश कोई फरिश्ता, कोई हातिम मेरी मदद के लिए भी आ जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला जाता, बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनमें से भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना से की उड़ान से बहुत ऊपर है। अब यानी वो ढूंढे तो सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ को, तब जब उसे मालूम हो कि सबसे अनमोल चीज़ क्या है, उसकी प्रेमिका तो यह भी नहीं बताती कि सबसे अनमोल चीज़ है क्या। आसमान पर तारे निकल आए थे, दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा नंगे बदन थकान से चूर वह वर्षों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा, तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी ना मिली और ना ही उसका कुछ निशान मिला। यानी दिलफिगार भटक रहा है उस अनमोल रत्न की तलाश में, लेकिन वो ये तलाश तो तब करे, उसको मालूम ही नहीं है कि वो चीज है क्या। इस प्रकार बहुत परेशान है क्योंकि उसकी प्रेयसी उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक उस चीज को वो नहीं जानता। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे, बीच में कई
अमामे और चौगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से ज़रा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से छिटक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों गुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दया दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित नहीं था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप के गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। ध्यान देने वाली लाइनें हैं कि उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से दमक रहा था जो केवल बचपन के दिनों में ही हासिल होती है, जो मासूमियत होती है, जहाँ हम पल में झगड़ा कर लेते हैं, अगले ही पल प्रेम कर लेते हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं बचपन की। तो वो मासूमियत बचपन में ही मिलती है क्योंकि जैसे ही हम समझदार होते हैं यह मासूमियत कहीं खो जाती है। और पाप है कोई भी चीज़, जो गलत चीज़ें हैं, गलत मनोविकार है, वो उस समय तक मन में होते ही नहीं है। इसलिए बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो वो वाली बात है। यहाँ प्रेमचंद ने उसको लिखा है, ध्यान अंकित किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रेमचंद की कहानियों में, इनमें अर्थ की गहराई है। एक कहानी चल रही है, बीच में कुछ इस तरीके के शब्द और मुहावरों का प्रयोग प्रेमचंद करते हैं खूबसूरती से कि वो एक गंभीर अर्थ भी देती हैं। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशबखुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, पापा बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जर्रे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशुका दिलफरेब के शहर मीनोसवाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कदर ना हुई तो मैं तो फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है ना। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोसवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनहा स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर।
शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्श करती हूँ, तेरी जान बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। इस प्रकार उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो माशुका है, वो उसको वापस लौटा देती है। जो पहला अनमोल रतन वो माँ जिसे समझ के वो आंसू जो उसके समक्ष प्रस्तुत करता है, वो उसको समझती तो है उसकी कीमत को, लेकिन उसको लौटा देती है। बोलती ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुझ में मेरे प्रेमी बनने के गुण है, लेकिन ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। अब दोबारी बार दिल फिगार जा रहा है अनमोल रतन या बेशकीमती चीज़ ढूंढने के लिए, देखते हैं कि वो क्या है। और आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं अभी मेरे चैनल पे जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं या आप हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएँ पढ़ना चाहते हैं, दोनों में से आपकी कोई भी आपके पसंद का क्षेत्र हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नेट परीक्षा के अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किस स्टेट से हैं आप, तो वह भी लिखिए ताकि उसके सिलेबस की तैयारी करवा दें। या नेट परीक्षा के अलावा अन्य जिन परीक्षाओं की आप तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने स्टेट का नाम उसके साथ जरूर लिखिए, ताकि मैं सिलेबस चेक करके वहाँ की भी बेहतरीन रचनाएँ आपको उसके अनुसार उपलब्ध करवा सकूँ। क्योंकि कुछ रचनाएँ सेम ही हैं, जैसे गोदान अधिकतर सिलेबस में लगा हुआ, चाहे UPSC की बात करें या स्टेट PCS एग्ज़ाम की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो गोदान लगा हुआ है, इसलिए गोदान मैंने आपको पहले करवा दिया। आपका बंटी भी बहुत जगह लगा हुआ है, वह भी करवा दिया। इसी प्रकार निबंध, कहानियाँ, नाटक लगे हुए हैं, मोहन राकेश का आधे अधूरे अधिकतर लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले करवा दी। नेट के पुराने पेपर भी चैनल पे उपलब्ध हैं, नेट का सिलेबस भी उपलब्ध है। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके अनुसार आगे विषय सामग्री आपको उपलब्ध करवाऊँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में करें। इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी है हिंदी साहित्य से लेके, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि दूसरी बार दिल फिराक क्या करता है। ना काम और ना मुराद दिल फिगार, इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाप भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कितने अच्छे अच्छे शब्द ना, यार के कूचे से, ये सारे गजल में सुने हुए हैं, क्योंकि हम उर्दू भाषा नहीं पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स ने यार के कूचे से, चलिए छोड़िए वो फिर शेर शायरी वाली बात हो जाएगी, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी कहानी पर। देखिए अब अपनी माशुका के लिए क्या करने के लिए तैयार है, मिलना मिलना दूर की बात, वो कह रहा है कि एक बार अगर आप अपना चेहरा दिखा दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी प्रेमिका भी बहुत सही है, तो वो उसको उसके लक्ष्य से नहीं भटकने देती और बोलती है जाओ। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, बुद्ध तो रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आवे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बहाना पकड़ोगे। पहले हातिम से वो सोचता है कोई हातिम मिल जाए, अब हजरत खिज्र से क्या बोलेंगे उसको, फरियाद कर रहा है। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरवार मुसाफिर हूँ, तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। ए आलिम मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ, तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ, यानी जैसे
हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं ना, तुलसीदास ने करी है, विनय पत्रिका लिखी है हनुमान जी को कि भाई हनुमान जी आप ही राम दरबार में मेरी अर्जी लगा दो, उसी प्रकार ये जो खुदा के बंदे हैं उनसे अपनी, जिन्हें फरिश्ते कहते हैं, उनसे अपनी फरियाद खुदा तक पहुँचाने के लिए कहता है, रास्ता दिखाने के लिए कहता है। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था, बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है, उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी है, उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है, हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से एक खुद ब खुद एक लपट उठी, सती का चेहरा उस वक्त ऐसे पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था, चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यो ज्यो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ है कह रहा था अब के तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को ज्यो ज्यो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। अब ये मालूम हो जाए कि हमारी माशुका से मिलन होने वाला है, अब हमें मिल जाएगी, तो फिर जो जो सपने आएंगे मन में वो सब उसको कल्पना कर सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ नहीं लिखा, ये कह दी कि उसकी चर्चा करना तो व्यर्थ है, वो सबके एक से ही है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योड़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिराग सुर्ख रूह होकर रोटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। अब देखिए यहाँ प्रेमचंद ने कोई ज़्यादा मतलब सीधे सीधे कहानी की बात की है, उसने ये नहीं बताया जैसा बताया जाता है कि क्या क्या शब्द उन्होंने कहे उसके बारे में, वो सब कुछ नहीं, सीधे सीधे कहानी चल रही है। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया, कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक बेशक यह राग जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसान मंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर तब मेरे पास आ, मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिराक के होश आवाज ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोते खाने लगा। इस बार कैसे हाथ पकड़ा, शब्दों पे ध्यान दीजिए। चौबेदार ने मुलायमियत से यानी धीरे से हाथ पकड़ा, पहले की तरह उठा के नहीं फेंक दिया, और अब की बार उसकी प्रेमिका ने क्या करा, अपना चेहरा मात्र से झलक दिखा दी। जैसे पद्मावती के, आपने देखा था ना पद्मावती मूवी में, वो पद्मावती जो होती है वो हल्की सी झलक दिखा देती है अलाउद्दीन खिलजी को और वो पागल उठता है उसे पाने के लिए, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे उसकी प्रेमिका दिखा के चली जाती है। अब आगे देखते हैं, दिलफिगार का हियाब छूट गया, उसे यकीन हो गया कि मतलब उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा कोई और चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊँचा नजर ना आया। जब मन में प्रेम की उमंग होती है ना, तब सब बड़े बड़े काम छोटे ही लगते हैं। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े हरे हरे कपड़े पहने हुए हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार नादान दिलफिगार,
यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। काश कोई ऐसा ही बाबा, काश कोई ऐसा ही बाबा सुशांत सिंह राजपूत के पास भी जाता या तमाम आत्महत्या करने वाले नौजवानों के पास जाता और उन्हें समझाता कि जिस कठिन रास्ते पर सफलता के जिस सफलता को जो मंजिल वो पाना चाहते हैं उसकी पहली सीढ़ी होती है मजबूत इरादे। तो इरादों को मजबूत करो और हाथ पकड़ कर तमाम उन युवाओं को जो आत्महत्या की ओर अग्रसर होते रोक लेता। काश कोई ऐसी व्यवस्था भी भगवान करता, किस तरीके के फरिश्ते हुआ करते होंगे पहले, लेकिन अब आधुनिक समय में तो ये फरिश्ते हैं नहीं। जैसा कि कल की कहानी में पढ़ाया कि महिलाओं के पास वर्तमान में ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है जिससे वो अग्नि परीक्षा दे सके, और अग्नि परीक्षा हमेशा महिलाएं ही क्यों दें? मुझे समझ में नहीं आता कि अग्नि परीक्षा सीता से ही क्यों ली। राम भी तो साल भर वन में रहे, राम से तो सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं ली, है ना। राजाओं को उस समय चार चार रानियां रखने का संबंध था, सीधे सीधे तीन चार महिलाओं के साथ संबंध रखने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को सती होना उनकी उनकी पवित्रता की निशानी मानी जाती थी कि वो अपने पति के अलावा किसी को भी न देखें। सही है, बहुत सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे परेशानी इस बात से कि यही सेम आशा पुरुषों के लिए भी रखनी चाहिए। जो 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 चाहते हैं कि सीता जैसी पत्नी मिले, उन्हें स्वयं भी तो राम जैसा पति बनना पड़ेगा ना, जिसने जिंदगी में सीता के अलावा किसी और के विचार को भी मन में न लाया। अब ना आप राम हो ना आपको सीता मिलती है, और ना आप सीता हो ना आपको राम मिलते हैं, तो दोनों ही चीज़ें बराबरी पे होनी चाहिए। ये तो अन्याय है ना कि पुरुष तो चार चार रानियाँ रखें और सीता बार बार अग्नि परीक्षा देती रहे। खैर, आइए अपने ध्यान केंद्रित करते हैं कहानी पर। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अब देखिए, दो बार फेल हो चुका है वो, अब वो जो आप उसको मान लीजिए फरिश्ता है, कहाँ का पता देता है उसको? हिंदुस्तान का पता देता है। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंगे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौए और बहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी मचल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी? मरने वालों का करहाना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा खौफनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है, यानी एक बार को जैसे हिंदुस्तान की जमीन पर उस मैदान में पैर रखा, घबरा गया वो। देखिए, एक प्रेमी हृदय है उसका, वो प्रेम की चाह में कहाँ, वो लाशों के मंजरों में फंस गया तो वो दिल घबरा जाता है कि यार क्या हो गया, कहाँ आ गया, इतनी चारों तरफ इसकी जुगुप्सा का भाव आते हैं उसके मन में। तभी उसको ध्यान आया कि यह तो लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। हिंदुस्तान में आते ही किससे परिचय हुआ उसका? सूरमा सिपाहियों से। इतने में करीब से करहाने की आवाज़ आई। दिलफराग उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है, यानी हाथ में फिर भी तलवार है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ।
यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है, यानी जान निकली जा रही है। इतने घावों के बाद भी भारतीय जो सिपाही है वो अपनी तलवार को नहीं छोड़ता और लड़ने के लिए तैयार होता, उठाने की कोशिश करता है। नरमी से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भटकता भूलता आ गया। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही, यानी हालात बयान कर, यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही दो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने हमलावार दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है ना, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर, यानी हंसते हुए, इतने दर्दों में भी, इतने मौत के पास होकर भी हंसता हुआ वह राजपूत कहता है, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। क्या कहता है वो सैनिक उससे, कहता है कि अपने देश में क्यों जीऊँ मैं? अपने देश में गुलाम बनने के लिए जीऊँ क्या? नहीं, ऐसी गुलामी भरी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहा कर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन की लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखर्रू कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसबे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब के तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी, यानी हूरों से बढ़कर सुंदरियाँ थी उस पर्दे के पीछे। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनत पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देख कर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखिस्सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनत से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की, चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनत पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानेसार आशिक दिलफिगार। क्या बोलती है उसकी प्रेमिका, ऐ जानेसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब सुखर्रू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी, यानी तेरी लड़की गुलाम। यह कहकर उसने एक रतन जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दोबारा पढ़ती हूँ लाइन, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।
इसके बाद क्या होता है, इस तीसरे अनमोल वस्त्र के बाद या सबसे दुनिया के अनमोल वस्त्र के बाद उसकी प्रेमिका ही नहीं मिलती, जो एक ख्वाब दिखाया जाता है आतंकवादियों को, जो उनका माइंड वॉश किया जाता है कि जन्नत में बेहतर हूरें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, वो बेहतर हूरें भी उसको वहाँ पर मिलती हैं उसके पर्दे के पीछे, और उसकी प्रेमिका जो उसे गुलाम बनाने की आशा करती है वो खुद उसकी गुलाम बन जाती है, उसे अपना मालिक स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि अब वो अनमोल चीज़ क्या है वो जान गया है। उसकी जो पट्टी थी, मंजूषा थी, जो उसकी संदूक थी, उसमें जो पट्टी थी उसी पे भी यही लिखा हुआ था कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रेमचंद, और कितनी खूबसूरत कहानी के माध्यम से ये संदेश दे दिया। शायद अंग्रेजों के तो ये बुद्धि में भी नहीं आएगी कि प्रेमचंद इस कहानी में कितना बड़ा भाव प्रस्तुत कर गए हैं। ठीक है, युवाओं का, युवाओं जो जान देते हैं किसके लिए, अपने मित्र के लिए, युवा वर्ग। अब ये महिला और पुरुष की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, मैं मित्र की बात कर रही हूँ जो जान देते हैं। वो वहाँ पे जो सैनिक मिलता है, भारतीय सैनिक क्या कहता है कि गुलामी की ज़िंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, और सैनिकों की जो मौत होती है वो अमर रहते हैं, कभी भी उनको हम ये नहीं कहते कि मर गया, यही कहते हैं शहीद हो गया, देश पे कुर्बान हो गया या अमर हो गए। ठीक है, तो इस कहानी का जो वास्तविक भाव है आप ग्रहण कर पाए होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। अगर आप ग्रहण कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेगा। एक चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़ी थी हमने, उसने कहा था तो उसमें भी लहना सिंह का जो चरित्र था वो उद्वेलित कर गया मन को, यानी प्रेमी, प्रेम और साहस दोनों जुड़े हुए हैं। अधिकतर जो महिलाएँ होती हैं उस साहसी प्रेमी को ही पाना पसंद करती हैं, और ये राजस्थानी महिलाएँ जो होती हैं वीरांगनाएँ, वो उनका भी ये रहता है कि वो ऐसे कई सारी कविताएं इसके आदिकाल साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ऐसे पतियों से, लड़कों से विवाह नहीं करना चाहती, वो उन्हीं लड़के जो कम कायर हों उन्हीं से कहती है। वो कहती हैं कि सखी अच्छा हुआ, ये एक दोहा है जिसका अर्थ बता रही हूँ, सखी अच्छा हुआ जो मेरे पति युद्ध में घायल हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए, अगर वो युद्ध लड़ने न जाते या हार के भाग जाते तो मैं क्या मुँह दिखाती जमाने को। तो वो इस वीर भाव ओतप्रोत वीरांगना होती हैं, इस भाव से भरी हुई होती हैं, यानी कि वही मतलब पुरुष की ओर वो आकर्षित होती हैं, अच्छे लगते हैं जो साहस का गुण रखते हों। डरपोक पुरुष महिलाओं के प्रेम के पात्र नहीं होते, इतनी मुश्किल रहा होती है प्रेम पाने की। और अंत में उसको अनमोल रतन क्या है यह भी बता दिया। विभिन्न अर्थों में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आत्महत्या जैसा, एक परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या जैसा भाव अगर अपने मन में आ भी रहा हो तो उसे त्याग दीजिए। जीवन में बहुत सी राहें हैं जिन पर चला जा सकता है, जहाँ हो सकता है और भी खुशी मिल जाए। किसी के साथ गलत हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन मौत किसी चीज़ का हल नहीं है, स्वयं को ख़त्म कर देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, राजपूत नाम उनके लगा हुआ था, नाम के साथ राजपूत जुड़ा हुआ था, यहाँ राजपूत का प्रसंग आया और अभी की घटनाएं तो थोड़ा सा याद हो गया, याद ताज़ा हो गई। ये इस तरीके से राजपूत कर ही नहीं सकते, एक एक कतरा बाकी रहा है जैसी हजारों कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है भले कितने ही परेशान हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।